हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल चैट। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सी टेट 2023 की नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है। सो इस सेशन में जो है वो हम सी टेट के पेपर टू में जो सिलेबस है उसे डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप कि आपने पिछली वीडियो भी देख ली होगी जिसमें मैंने सी टेट के पेपर वन के डिटेल सिलेबस के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले है कि जो सी टेट है That is, वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो कल ही आउट हुई थी। वैसे तो वो पब्लिश जो है वो 25th से हो चुका था, लेकिन उसकी जो नोटिफिकेशन थी वो कल ही आई थी। सो जो फॉर्म भरने की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 27 अप्रैल 2023 से, और अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं देन इट इज 26 मई 2023 तक जो है वो उसकी लास्ट डेट रहेगी। आप रात 12 बजे से पहले पहले जो वो फॉर्म भर सकते हो। अब देखो, ऐसा नहीं करना है कि लास्ट डेट का जो है वो आपने वेट करना है। जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी जो है वो अपने आप अपने पेपर को आप फिल कर दीजिए, ताकि आपको बाद में कोई कोई पैनिक चीज जो है वो टॉलरेट ना करनी पड़े। और अगर मैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं, सो एज यू ऑल नो दैट कि जो इस बार सीटेट का पेपर है तो पिछले 1-2 सालों से जो है वो सीबीटी पेपर होता है, दैट इज द कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। सो उसकी जो है वो अभी तक प्रॉपर डेट नहीं आती है। जब आपका एग्जाम होगा तो उससे अप्रोक्सीमेट 1 हफ्ता पहले जो है वो आपको आपके एडमिट कार्ड अलॉट कर देंगे, जिसमें उसके सारी शिफ्ट्स के बारे में और पेपर के बारे में जो है वो सेंटर के बारे में जो है वो डिटेल में बताया गया होगा। क्लियर है? चलिए, अगर मैं इस पेपर फीस की बात करती हूँ तो पेपर वन और टू अगर आप एक ही पेपर फिल करते हो तो जनरल वालों के लिए उसकी फीस है 1000 और अदर कैटेगरीज के लिए जो है वो 500 है। और अगर ऐसे मैं बात करूं कि जब आपको दोनों ही पेपर्स फिल करने हैं तो उसके लिए जनरल वालों के लिए जो फीस है दैट इज 1200 और अदर कैटेगरीज के लिए जो है वो 600 है। इन्होंने जो है वो साफ तरीके से ये मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, कि जो पहले आएगा उसे पहला सेंटर जो है वो वही अलॉट किया जाएगा। और वैसे भी लास्ट के दिनों में साइट बहुत बिजी हो जाती है, रश ज्यादा हो जाता है, इसलिए ट्राई करो कि आप टाइम से जो है वो अपना पेपर फिल कर दो, ताकि आप आराम से अपनी जो है फिर प्रेपरेशन कर सके। और आपको पता है कि सीटेट क्या है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, तो 2-3 महीने अब लगाओ अच्छे से और फिर फुल टाइम की एलिजिबिलिटी लो और अपनी जॉब करो। क्लियर? और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो जो सीटेट है उसमें जो सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं। एंड रिमेंबर दिस थिंग, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ईच क्वेश्चन कैरी द 1 मार्क एंड देयर विल बी 2 पेपर्स। पेपर वन जो है वो आपका होगा फ्रॉम क्लास 1 to 5 एंड जो आपका पेपर टू होगा उसमें जो आप टीचर बनते हैं उसमें आप पढ़ाते हैं 6 to 8 क्लास के बच्चों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस सेशन में जो मैं मेन स्टडी करवाऊंगी या मेन डिटेल में आपको बताऊंगी, दैट इज पेपर टू का सिलेबस। पेपर टू में जो है वो आपको 14 साल के बच्चों तक, मतलब जो बच्चे 11 से 14 साल तक के होते हैं उनके साथ जो है वो आपको डील करना होता है। सो ऑब्वियसली बात है कि जो आपका सिलेबस होगा वो 8 तक का सिलेबस होगा। और इसमें जो है वो आपने एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में भी साफ बताया गया है कि जो सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर मान लो मैं थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल की बात करती हूँ तो हो सकता है कि वो 9th 10th तक का कुछ पूछ ले, पर होगा वो भी पेडागॉजी के ऊपर ही। और इसमें एक और बात मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैक्सिमम जो है वो पेडागॉजी से आते हैं। सो दैट इज वेरी सीडीपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। और अगर आपकी सीडीपी जो है वो बहुत अच्छी है तो आप जो इस पेपर को क्रैक बहुत आराम से कर सकते हो। क्लियर है? सो इसमें क्या होता है, जो पेपर टू है इसमें जो है वो 6 to 8 क्लास के बच्चों को आपको पढ़ाना होता है। 2-2.5 घंटे की जो है वो आपका पेपर होता है। और अगर मैं पेपर सिलेबस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका सीडीपी जो कंपलसरी है, जहां से 30 MCQs होंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क दैट इज 30 मार्क्स। ऐसे 150 MCQs होंगे 150 मार्क्स के। अब नेक्स्ट है Language 1, Language 2, मतलब इंग्लिश हिंदी, आपको जो भी लैंग्वेज जो है वो चूज करनी है, दैट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। नेक्स्ट जो पेपर होता है, देखो जो आपका पेपर वन था उसमें थे आपके 4 सब्जेक्ट्स, इसमें जो है वो आपको 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। होता क्या है इसमें कि जो बीएससी वाले होते हैं, साइंस वाले होते हैं, जिनको मैथमेटिक्स एंड साइंस पढ़ाना है, वो जो है इस पेपर की तैयारी करते हैं। और जो लोग बीकॉम के हैं या फिर अनदर जिन्होंने कोई डिग्री कर रखी है जैसे बीए वगैरह, उनके लिए जो है वो सोशल स्टडीज और सोशल साइंस का पेपर जो है वो आता है। क्लियर है इतनी सी बात? तो चलो, इसमें भी क्या है 30 MCQs होते हैं, 30-30 मार्क्स के होते हैं। और जो आपका मैथ्स और साइंस वाला है इसमें आपको 60 MCQs होंगे और 60 मार्क्स। और अगर ऐसे आपका
सोशल स्टडी है तो वहां से 60 एमसीक्यूज और 60 मार्क्स जो है वो देखने को मिलेंगे। सीडीपी लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू से आपको 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के ही देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इफ आई एम डिस्कस अबाउट द डिटेल चेंबर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। इसमें क्या होता है, बच्चों के बाल विकास के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं कि हम बच्चों के साथ कैसे जो है वो डिटेल में उनके साथ जो है हम बिहेव कर सकते हैं। अगर वो फेलियर हो रहे हैं या उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम वहां पे उनके साथ कैसे डील करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखे जाते हैं। अब साइंस का क्वेश्चन कैसे आएगा, हो सकता है कि वो डायरेक्ट पूछ ले कि एसिड रेन में कौन कौन सी चीजें जो है वो प्रेजेंट होती है, किस वजह से एसिड रेन जो होती है वो कॉज होती है, या फिर हो सकता है इसी क्वेश्चन को वो पेडागॉजी के हिसाब से पूछ ले। अभी क्या है कि जब से सीबीटी स्टार्ट हुआ है तो पेपर का जो पूछने का तरीका है, पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े घुमा के पूछे जाते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन क्या होते हैं आपके सिंपल ही होते हैं। क्लियर है? तो इसमें अगर मैं बात करूं चाइल्ड डेवलपमेंट जो एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड का है, इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, देन उनके प्रिंसिपल, उनकी हेरिडिटी किस तरीके से हुई है, सोशलाइजेशन प्रोसेस होगी, कौन से फिलोसोफर ने कौन कौन सी बातें कही है, कौन कौन सी डेफिनेशन है, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, देन उनकी क्रिटिकल पर्सपेक्टिव एंड इंटेलिजेंसी लैंग्वेज के ऊपर, जेंडर बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो भी है लैंग्वेज के आधार पर, कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर, वो चीजें, देन डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, एंड इस तरीके की चीजें जो है वो आपको पेपर में देखने को मिलेगी। सो जो आपका सीडीपी फर्स्ट पार्ट है वहां से आपको 30 क्वेश्चन जो है वो टोटल आते हैं। सीडीपी में जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट, वहां से आपको 15 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो देख लो इस पेपर में सारी की सारी ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो सीडीपी से रिलेटेड है और बाकी चीजें भी आपकी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही सिविल स्टैफ ने भी ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, तो आप यहाँ से जो है वो अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसमें आपको फुल मॉक टेस्ट, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चंस और नोट्स जो है वो प्रॉपर वे में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सीडीपी के अंदर सेकंड पार्ट की, तो इसमें जो है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के ऊपर जो है वो 5 क्वेश्चंस यहां से आते हैं, जिसमें बच्चों के बैकग्राउंड से रिलेटेड, उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज एंड देन टैलेंटेड क्रिएटिव और स्पेशली एबल लर्नर्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट that is learning and pedagogy, that is how children think and learn, how and why children fail to achieve success in school performance, तो इस पार्ट से भी आपको 10 questions जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके बाद है उसमें हम टीचिंग और लर्निंग के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, चाइल्ड इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ऐसे बच्चों से कैसे डील किया जाता है, alternative conception of learning in children, then cognitions and emotions, motivation and learning and factors contributing to learning, personal and environment के ऊपर जो है वो questions देखने को मिलते हैं। Clear? Next अगर मैं बात करूँ language 1 की, तो language 1 का जो है वहां से भी 30 questions आते हैं, 15 और 15 में वो divide होते हैं। First part की अगर मैं बात करूँ that is language comprehension, जहां से आपको comprehension based unseen कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं देन लैंग्वेज के ऊपर ही जो है वो सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, दैट इज द पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसमें सेम वही चीजें हैं बट फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ से जो सीडीपी आएगी वो लैंग्वेज के साथ रिलेट करेगी, जिसमें आप प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, आईटी डिपार्टमेंट के बारे में, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल्स ऑफ ग्रामर, टीचिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज स्किल्स, रिमाइंडर टीचिंग, इन सभी चीजों के ऊपर जो है वो क्वेश्चन डिटेल में देखने को मिले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज 2 की, तो यहाँ से भी आपके जो है वो 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 15 क्वेश्चंस में वो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। और अगर मैं बात करूँ कॉम्प्रिहेंशन की, तो यहाँ से भी 2 अनसीन पैसेजेस जो है वो आते हैं, जिसमें उसके ग्रामर, वर्ब, वर्बल चीजों के बारे में, या फिर हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो पैसेज के ऊपर ही है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी में पैडागॉजी जो होती है, सीडीपी जो होती है, वो भी लैंग्वेज 2 से रिलेटेड होती है, जिसमें अगेन फिर से वही चीजें हैं कि कैसे लर्निंग करनी है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग्स क्या है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग क्या है, देन ग्रामर उसमें कैसे पढ़ा जा सकता है या पढ़ाया जा सकता है,
चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज क्या है इस लैंग्वेज में, देन लैंग्वेज स्किल्स क्या है, लर्निंग मटेरियल्स एंड रिमाइंडर टीचिंग, दीज ऑल आर कम अंडर द लैंग्वेज टू. क्लियर. नेक्स्ट है आपके पास, दैट इज इंपॉर्टेंट, जो साइंस वाले हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स और साइंस के लिए करना है उनके लिए जो है वो ये पोर्शन जो है वो अवेलेबल होता है. यहाँ से जो है वो 60 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, दैट इज मैथमेटिक्स से आपको 30 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे. ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कंटेंट में सबसे पहले मैथमेटिक्स की, तो हो सकता है यहाँ से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिले. सो मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट. 8 तक का मैथमेटिक्स तो प्रॉपर वे में आपने करके जाना है, हो सके तो एक बार 9-10 तक का भी जो लेवल है उसे आप चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है कि पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए. क्लियर. अदरवाइज 8 तक का बहुत ज्यादा है, एनसीईआरटीज जो है उनको नहीं भूलना है. अगर उनकी एक एक क्वेश्चन कर लोगे, उनकी एक एक लाइन पढ़ लोगे तो पेपर क्लियर होने के चांसेस होते हैं. क्लियर है. नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले चैप्टर आपका नोइंग अवर नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस. हम सभी ने ये जो है वो छोटी क्लासेस में सारे चैप्टर्स जो है वो डिटेल में स्टडी कर रखे हैं. ऐसे ही मैं बात करूं आगे, द नेक्स्ट टॉपिक इज एलजेब्रा, जिसमें आप एलजेब्रा की इंट्रोडक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उसके बाद आपका है ज्योमेट्री से, जिसमें आप बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, रिफ्लेक्शन के बारे में, कंस्ट्रक्शन, मैनिपुलेशन एंड डाटा हैंडलिंग के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं. ऐसे ही मैं इसमें अगले पार्ट की बात करूं, दैट इज द पेडागॉजिकल इशू, जिसमें से 10 क्वेश्चंस जो है वो आपके देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है वो सीडीपी यहाँ पे पूछी जाती है, दैट इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल थिंकिंग. देन है आपका प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेलुएशन, रिमाइंडर टीचिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग के ऊपर जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है साइंस पार्ट, जहां से भी 30 क्वेश्चन जो है वो आते हैं, 20 फ्रॉम द मेन कंटेंट एंड नेक्स्ट 10 फ्रॉम द सीजीपी. सो इसमें वो साइंस में बात करता है. देखो हमने ये चैप्टर ना सेवंथ क्लास में शायद पढ़े हुए हैं, और कुछ सेवंथ के कुछ एट्थ के हैं. तो इसमें क्या होता है कि जो कंटेंट है उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका फूड, जिसमें फूड के क्या सोर्सेज हैं, फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और फूड को कैसे क्लीन करके रखा जा सकता है, ये चैप्टर्स यहाँ पे हैं. मटेरियल ऑफ डेली यूज, जैसे कि एप्लीकेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे आप, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, या पर्टिकुलर किसी चीज की पीएच कितनी होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट है द वर्ड ऑफ द लिविंग, नेक्स्ट मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज, ट्रांसपोर्टेशन जो है इसमें आ सकता है, उससे रिलेटेड जो नई नई चीजें हैं वहां से क्वेश्चन आ सकता है. How things work, that is from physics, that is electric current and circuits and magnets, then natural phenomena and natural resources that came under the syllabus of the science part. और इसके आगे जो है वो science से related क्या क्या pedagogical issues हैं, that is the nature and structure of the science, natural science aims and objectives, understanding and appreciating science approaches, जिसको हम जो है वो integrated approach भी कहते हैं, observations क्या क्या है, innovation, टेक्स्ट मटेरियल, इवेल्युएशन, उनके ऊपर प्रॉब्लम एंड रिमाइंडर टीचिंग जो है वो यहाँ से आपके 10 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं. आप जिन्होंने जो है वो सोशल स्टडीज में जाना है, जिनका सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट है, वहां से भी क्या है 60 क्वेश्चंस आएंगे, 40 फ्रॉम दिस पार्ट. हिस्ट्री से सबसे पहले, हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो 6 to 8 तक की हिस्ट्री जो है वो आप सभी ने पढ़ के जानी है. अगर आप जो है पेपर टू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट चैप्टर, दैट इज वेयर, व्हेन, वेयर एंड हाउ, देन अर्लियर सोसाइटीज, जिसमें आप जो है अर्ली मैन के बारे में स्टडी करते हैं, फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, द फर्स्ट सिटीज, अर्ली स्टेट्स, न्यू आइडियाज, फर्स्ट एम्पायर, कॉन्टेक्ट्स विद डिस्टेंट लैंड्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई, कैसे वहां पे कल्चरल साइंस ओरिजिनेट हुआ, कौन कौन से किंग्स आए, देन दिल्ली के सुल्तान के बारे में जो है पूछा जाता है, एंड नेक्स्ट जो है वो आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं. क्लियर. ऐसे ही अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, कि किसी भी साम्राज्य की जो उत्पत्ति हुई वे कैसे हुई, सोशल चेंजेस क्या क्या है, रीजनल कल्चर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, नेक्स्ट है ट्राइबल सोसाइटीज, देन 1857 और 58 में जो विद्रोह हुआ था, दैट इज द रिवोल्ट, वुमेन एंड रिफॉर्म, चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ये सब चीजें जो है वो आपको सोशल स्टडीज के हिस्ट्री वाले पार्ट में जो है वो देखने को मिलेंगी. और अगर मैं ऐसे ही ज्योग्राफी वाले पार्ट की बात करूँ, तो यहाँ से ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडी एंड अ साइंस, क्योंकि जो जितनी भी आपने
प्राइमरी लेवल में या सेकेंडरी लेवल में, मतलब प्राइमरी लेवल तक लेके चलो, आपने जितनी भी ज्योग्राफी पढ़ी है उसमें जो है वो ध्यान से चीजें जो है वो करनी है, क्योंकि जैसे मैंने पिछले ईयर के पेपर को एनालिसिस किया तो वहां से नॉर्मल पूछा गया था कि कोई जनजाति थी और पूछा हुआ था कि ये किस जगह जो है ये वाली जनजाति पाई जाती है, या फिर फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें अगला पार्ट है आपका प्लैनेट्स, ग्रहों के बारे में पूछा जाता है, ग्लोब, ये 6th क्लास के चैप्टर्स हैं सारे जहां तक मुझे याद है। देन एनवायरनमेंट इन इट्स टोटली नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, एयर वाटर ह्यूमन एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज टाइप्स, जिसमें आप नेचुरल और मैनमेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हो, एंड देन आपका आता है एग्रीकल्चर। क्लियर। इसके बाद है, इसी में अभी तक सोशल साइंस में ये चीज चल रही है, दैट इज नेक्स्ट इज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग अ लिविंग, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, देन जेंडर, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जुडिशरी एंड सोशल जस्टिस एंड द मैरिजनलाइज, जो है इन ये सभी चीजें जो है वो पॉलिटिकल लाइफ के अंडर जो है वो देखने को मिलती हैं। और देखो पहले थे 40 क्वेश्चंस जो हमें आने थे सोशल स्टडीज वाले पार्ट से, अब टोटल थे 60, 20 पार्ट जो है 20 नंबर का जो पेपर है वो कहाँ से आएगा, इनसे रिलेटेड पेडागोजिकल इश्यूज से जो है वो देखने को मिलेगा, दैट इज कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ द सोशल साइंसेस, क्लासरूम प्रोसेसेस, एक्टिविटीज एंड डिस्कोर्स, डेवलपमेंट क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी एम्पिरिकल एविडेंस, देन प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज, उसमें क्या क्या सोर्सेज हैं, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्रोजेक्ट वर्क एंड वैल्यूएशन, इन सभी पार्ट से जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्लियर है। अब डिटेल में सिलेबस जो है वो डिस्कस हो चुका है, अब आप ये करो कि एक दो दिन जो है वो फिर से एक बार जो है वो सिलेबस को डिटेल में स्टडी कर लो, अदरवाइज मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे बता दिए हैं, और फिर जो है अपनी अपनी बुक्स पकड़ो और अपनी जो है पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पेपर के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, अप्रॉक्स 2 ही महीने लेके चलो, क्योंकि जुलाई और अगस्त के बीच में पेपर कभी भी हो सकता है, 2 शिफ्ट्स में जो है वो पेपर करवाया जाता है। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट।